हिमाचल के सजोली में प्रदर्शनकारी जब प्रदर्शन कर रहे थे तो इस दौरान हंगामा हो गया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पानी की बौछारें छोड़ी जा रही हैं। संजोली की लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पहले ऐलान किया था कि हम प्रदर्शन करके रहेंगे, हालांकि 163 धारा लागू कर दी गई थी, रात के 12 बजे तक ये धारा लागू, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर प्रदर्शनकारी नहीं माने और ऐसे में यहाँ पर लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा है पुलिस को। तस्वीर आपके सामने है जहाँ पर देखिए किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, पानी की बोतल। हम संजोली जा रहे थे लेकिन हमारे को रोका गया, लाठी चार्ज किया, कोई जख्मी भी हुआ है? सरकार ने छुट्टियां किया है, गोलियां देखी जाएगी, गोलियां चलानी है चला ले पप्पू। वो तो कहते थे पीसफुली होगा, उन्होंने लाठी चार्ज करवा दो। लाठी चार्ज तो पीसफुली है, जरूरत है तो हमारी मजबूरी आगे तो जाना ही है ना, फिर तो लाठी चार्ज क्यों किया गया? प्रदर्शनकारियों को सुन रहे थे आप जो कह रहे हैं कि हम पे लाठी चार्ज क्यों किया गया जब हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। लगातार तस्वीर आपको दिखा रहा है न्यूज 18। देखिए पहली तस्वीर, यहाँ पर देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर अचानक वहां पर हंगामा बरप गया और देखिए किस तरीके से लाठी मारी जा रही है प्रदर्शनकारियों को। प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसाते हुए पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे हैं। दरअसल यहां पर पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी, फ्लैग मार्च सुबह से चल रहा था और ऐसे में हिंदू संगठन जो प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, लाठी चार्ज का सहारा भी लेना पड़ा है ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि किसी को भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी। संजोली की तस्वीरें हैं, शिमला की तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए हिंदू संगठनों की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा था वहां पर हंगामा हो गया, पुलिस ने लाठी चार्ज किया है प्रदर्शनकारियों पर। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसकर हम पर प्रदर्शनकारियों पर ये लाठी चार्ज किया गया है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग भी लगाई जा रही है और कंट्रोल करने की स्थिति यहाँ पर लगातार करती हुई पुलिसकर्मी, लाठी चार्ज भी किया गया है। अपने दर्शकों को बता रहे कि संजोली शिमला की तस्वीरें हैं, यहाँ पर अवैध मस्जिद को लेकर आक्रोश है लोगों के बीच में, सुनते लोगों को। इन्हें की महिला बेहद गुस्से में नजर आ रही है, नारेबाजी की जा रही है पुलिस प्रशासन के खिलाफ। प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं, गुस्से में आक्रोशित नजर आ रहे हैं। दरअसल गुस्सा है अवैध मस्जिद को लेकर, हालांकि मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर अवैध है मस्जिद तो कार्रवाई होगी, पहले ही धारा 163 लागू कर दी गई थी, फ्लैग मार्च निकाला गया था, यानी कि ये इजाजत नहीं थी प्रदर्शनकारियों को कि प्रदर्शन किया जाए, 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर मना ही थी, लेकिन हिंदू संगठन के तरफ से प्रदर्शन किया गया, प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया है, उन्हें खदेड़ा गया है। तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे संजोली से जहां पर हंगामा हो गया, प्रदर्शन के बीच हंगामे की तस्वीरें आपको न्यूज 18 राजस्थान सबसे पहले दिखा रहा है। ये देखिए यहां पर फ्लैग मार्च सुबह किया गया था और साफ तौर पर कहा गया था कि प्रदर्शनकारियों को यहां पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं मिलेगी, लिहाजा धारा 163 लागू कर दी गई थी। धारा 163 का मतलब होता है कि 5 से ज्यादा लोग यहां पर, जी मारो हल्की विचार मारो, बिल्कुल बिल्कुल जैस्मीन, मुद्दा मस्जिद के ऊपर था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक प्रोटेस्टर का कोई लीडर नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई संगठन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। यहाँ से रास्ता है, ये रास्ता मस्जिद के लिए जाता है जो पहला रास्ता है, बाहर हम पुलिस का पुख्ता इंतजाम यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ ठीक इसके 2 मीटर की दूरी पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, बीच में बैरिकेड है और यहाँ पर पुलिस का पुख्ता इंतजाम है। इसके बाद जैस्मीन आगे की तस्वीर हम ये देखिए ऊपर देख सकते हैं, ऊपर जैस्मीन देखा जा सकता है, लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, पल पल की अपडेट दिखा रहा है, जहां पर देखिए मस्जिद के आसपास बैरिकेडिंग लगा दी गई है, प्रदर्शनकारी को आने जाने की वहां पर इजाजत नहीं है, बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारी को रोका जा रहा है, लाठी चार्ज भी करना पड़ा है प्रदर्शनकारी को कंट्रोल करने के लिए। बेकाबू स्थिति होती हुई नजर आई थी, हंगामा हुआ था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें भी छोड़नी पड़ी। संजोली शिमला की लाइव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है, न्यूज 18 के रिपोर्टर्स वहां से पल पल की तस्वीर दे रहे हैं, प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो उन्होंने सुरक्षा जो इनकी जर्सी है वो पहनी है, यूनिफॉर्म यहाँ पर पहनी है और सीधी तस्वीरें जैस्मीन आपको यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे, ये आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी हैं।
एक बार बैरिकेड टूटा, जो दूसरा मेन बैरिकेड है वो एक बार तोड़ा, उसके बाद जो दूसरा बैरिकेड है वो तोड़ा गया और अब आप सीधी तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल मुहाने पर यहाँ पर प्रदर्शनकारी है। अगर यहाँ से कोई सुरक्षा दीवार टूटती है तो फिर जरूर तमाम प्रदर्शनकारी मस्जिद के बिल्कुल समीप में होंगे। जिसमें जहाँ तक मुद्दे की बात है तो ये जो तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं सिर्फ एक विषय पर, जिस व्यक्ति से बात की जाती है वो अपना अलग लॉजिक देता है, अलग बात रखता है, अलग बात कहता है। बड़ी पहली सी बात जो कॉमन आ रही है कि इतनी संख्या में लोग रातों रात, जी यहाँ पर देखिए किस तरीके से हंगामा बरपा हुआ है और लगातार पुलिस की कोशिश है कि मस्जिद के पास प्रदर्शनकारी ना आ पाए, लेकिन देखिए हमारे रिपोर्टर वहां से बता रहे हैं कि एक नहीं दो नहीं तीन तीन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा है पुलिस को। और भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि प्रदर्शनकारी अंदर ना घुस पाए। बेहद मस्जिद के पास आ चुके हैं प्रदर्शनकारी और पुलिस चाहती कि मस्जिद के पास ना आए। दरअसल पूरा जो मसला है अवैध मस्जिद को लेकर जुड़ा हुआ है। अवैध मस्जिद को लेकर संजौली में, शिमला में लोगों में गुस्सा है। साफ तौर पर प्रशासन पर आरोप लगाया गया है और ऐसे में पुलिस के लिए यहां पर बहुत मुश्किल है कि हालात को काबू किया जाए। लाठी चार्ज करना पड़ा है पुलिस को। तमाम यहां पर सुरक्षा दीवार तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं। एक और सुरक्षा दीवार तोड़ी तो यहां पर तनाव बढ़ेगा, यह पक्की बात है। तस्वीर आपके सामने देखिए, न्यूज 18 राजस्थान एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव जानकारी, हर एक अपडेट पहुंचा रहा है। संजौली शिमला की तस्वीरें जहां पर प्रदर्शनकारियों के बीच में हंगामा हो गया, प्रदर्शन के बीच में हंगामा की अपनी बात है, अपनी लॉजिक है और अपनी बात कह रहे हैं। इसे मस्जिद ढहाने के लिए अगर मैं कहूं तो सीधे तौर पर 10% लोगों की इंटेंशन भी नहीं होगी, लेकिन जो गुस्सा है प्रशासन के खिलाफ, इस पूरे केस को चलते चलते 14 साल जस्मीन हो गए हैं प्रशासन की तरफ से। इस देखिए यहाँ पर सवाल यही है कि जाहिर तौर पर ये प्रदर्शन की नौबत क्यों आई, आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं। उस बयान के पीछे का आधार मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल जरूर ये बात उठी, ये बात मीडिया में भी आई, लेकिन उस बयान के पीछे का आधार क्या है ये हमें देखना होगा। दरअसल पूर्व सरकार के समय जब एमसी शिमला में सफाई का ठेका दिया गया तो वो ठेका यहाँ के एक स्थानीय दुकानदार, ये स्थानीय व्यक्ति की तरफ से लिया गया, लेकिन हुआ क्या, दरअसल जब यहाँ पे काम करने वाले लोग आए और लोग घरों में गए, लोगों के दरवाजे तक जाने लगे, उन लोगों को हिंदी नहीं आती थी। जो कूड़ा बीनने के लिए, पूर्व सरकार के समय की जस्मीन ये बात है, कूड़ा बीनने के लिए लोग जब घर घर गए तो उन लोगों को हिंदी तक नहीं आती थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने शक उनके मन में पैदा हुआ, फिर पता करने की कोशिश की है कौन लोग हैं जिनको हिंदी तक नहीं आ रही है लेकिन घर घर जा रहे हैं। उसके बाद जब आइडेंटिफिकेशन हुई तो ये पता चला कि ये लोग भारत के रहने वाले नहीं है और उस वक्त उन लोगों को हटाया गया यहाँ से, वो टेंडर कैंसिल किया गया। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे बीच बीच में जरूर बातें आती रही कि कहीं प्रदेश से बाहर के लोग यहाँ पर अवैध तरीके से तो नहीं रह रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात है वो ये है, रातों रात कैसे जो छापे वाले हैं, रेडी वाले हैं, इनकी संख्या कैसे इंक्रीज हो जाती है, उसके ऊपर लोगों का रोष है। चोरियां हो रही हैं, चोरियों में प्रदेश से बाहर के लोगों का नाम। तो अवैध मस्जिद के मामले के साथ साथ दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि सुक्कू सरकार के मंत्री ने अपने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए थे और कहा था कि यहाँ पर अवैध तरीके से लोग घुसे हैं और ऐसे में यहाँ पर लोगों का हक मारा जा रहा है, इसमें ध्यान देना चाहिए और मैं जरूर कार्रवाई करूंगा। और इसी को लेकर ये मामला और भी बड़ा होता जा रहा है। हमारे संवाददाता खुद ये बता रहे हैं कि वहां पर लोगों को शक इस बात पर हुआ क्योंकि वो हिंदी बोलना नहीं जानते थे, क्या वो रोहिंग्या है, बाहर से आए घुसपैठी है, और ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी बड़ा सवाल हो जाता है। ये जो अवैध मस्जिद है इसकी 5 मंजिला बन गई और ऐसे में लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता चला गया। लोगों का साफ तौर पर पुलिस कुछ लोगों से भी हम यहाँ बात करने की कोशिश जैस्मिन करेंगे। क्या कहना है लोगों का, क्या डिमांड है, क्या कहेंगे आप? सर देखो, ये जितनी भी सिचुएशन यहाँ पे खराब हुई है, इसके लिए ना हिंदू मुसलमान है, ना हिंदू वो है ना मुसलमान, ये वो कोर्ट है जिसको 14 साल से यही पता नहीं लग रहा है कि भैया ये वैध है या अवैध है। आधे घंटे में जो डिसीजन हो सकता है उसके लिए इतना साल लग रहे हैं इनको। और ये देखो प्रशासन, यूनिवर्सिटी में हमने कम्युनिस्ट को एक बात बोलते हुए सुना है कि ये जो पुलिस है ये एक सरकार ने अपने इसको दबाने के लिए, लोगों की आवाज दबाने के लिए रखे है। हम क्या गलत कर रहे हैं, हम कोई टेररिस्ट है क्या हम लोग? हम तो यही बोल रहे हैं। और वहां पे सबसे पहले ये भी गलत है कि मस्जिद तोड़ी जा रही है, सबसे पहले ओएमसी का कोर्ट तोड़ना चाहिए बाहर, जिसको 14 साल से पता ही नहीं लग रहा है।
उन अधिकारियों को मारना चाहिए पहले जो वहाँ पे घूस खा के बैठे हुए हैं। इसके लिए सारा जो जिम्मेवार है वो प्रशासन खुद है। हम तो यही बोलेंगे ये मस्जिद हटानी चाहिए और एक सही फैसला सरकार को सही निर्णय लेना चाहिए। हिंदू समाज का, हिंदू समाज के भावनाओं का मतलब सम्मान करना चाहिए। ये हम लोग एक शांतिपूर्वक वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसके बावजूद भी हम पे लाठी चार्ज हुआ है। ये हमारे को दमन करना चाहते हैं, ये हमारी ऐसे प्रशासन मुर्दाबाद की नारे लगने चाहिए ऐसे लोगों के लिए। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं इनसे भी। तो यहाँ पर गिराना चाहिए अवैध मस्जिद को, ये मांग करते हुए प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर मुश्किल हो रही है पुलिस प्रशासन के लिए कि कैसे स्थिति को काबू किया जाए। लगातार हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए मुंबई से बड़ी खबर का रुख करते हैं। मलाइका अरोड़ा के पिता की संदिग्ध मौत हो गई है। बांद्रा में छठे माले से गिरने से मौत हुई, पुलिस मौके पर पहुंची, जांच चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, माया नगरी से। मलाइका अरोड़ा के पिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। बांद्रा में छठे माले से गिरने से मलाइका अरोड़ा के पिता की मौत हो गई, इसे संदिग्ध माना जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं मुंबई से, जहां पर मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता की संदिग्ध मौत हो गई है। बांद्रा में उनका घर है, छठे माले से गिरने से उनके पिता की मौत हुई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, जांच पड़ताल की जा रही है, ये समझने की कोशिश की जा रही है कि किन परिस्थितियों में मलाइका अरोड़ा के पिता की मौत हुई है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, उनके पूर्व पति भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, अरबाज खान। मुंबई से बड़ी खबर, मलाइका अरोड़ा के पिता की संदिग्ध मौत हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर। बांद्रा में छठे माले से गिरने से मलाइका अरोड़ा के पिता की मौत हुई, पुलिस मौके पर पहुंची है, मुआयना कर रही है, जांच पड़ताल की जा रही है और इस समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किस तरीके से मलाइका अरोड़ा के पिता की मौत हुई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, मुंबई से आ रही है मलाइका अरोड़ा से जुड़ी बड़ी खबर। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता की संदिग्ध मौत हो गई है। बांद्रा में उनका घर है, छठे माले से मलाइका अरोड़ा के पिता की गिरने से मौत हुई, पुलिस इसे संदिग्ध मानकर चल रही है और इसीलिए वहां पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। मुंबई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बांद्रा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर मलाइका अरोड़ा का घर है, छठे माले से गिरने से मलाइका अरोड़ा के पिता की मौत हो गई है, पुलिस इसे संदिग्ध मान रही है, लिहाजा जांच पड़ताल की जा रही है और इस समझने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से मलाइका अरोड़ा के फादर यानी उनके पिता की मौत हुई। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से। महाराष्ट्र की मुंबई से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मलाइका अरोड़ा के पिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। तस्वीरें देखिए, यहां पर पानी की बौछारें हो गई प्रदर्शनकारियों पर, पहले लाठी चार्ज हुआ, अब पानी की बौछारें की जा रही प्रदर्शनकारियों पर, लेकिन प्रदर्शनकारी हैं कि मानने को तैयार नहीं है। 1-2-3 बैरिकेड्स तोड़ते हुए मस्जिद की तरफ आगे बढ़ रहे, पुलिस के लिए बेहद मुश्किल है किस तरीके से प्रदर्शनकारी को रोका जाए। साफ तौर पर प्रदर्शनकारी है कि अवैध है ये मस्जिद, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? आधे घंटे में ही पूरी डिमोलिश हो सकती है मस्जिद, लेकिन आखिरकार प्रशासन किस बात का इंतजार कर रहा है, पुलिस किस बात का इंतजार कर रही है? इसी आक्रोश को यहां पर सड़कों पर जताया जा रहा है। धारा 163 लागू कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये मसला सियासी रूप से भी बहुत अहम हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे तमाम लोगों के ऊपर बैटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। आप सीधे ये देखिए, लड़की यहाँ पर घायल हो गई है। घायल घायल तो हो गए भैया, हम बच्चों को लेने स्कूल जा रहे थे, मैं तो रास्ते में सीढ़ी चढ़ रही थी, लोगों ने यहाँ पे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद इन लोगों ने पता नहीं क्या करके रखा हुआ है। जब तो पीसफुली जा रही है, परसों भी प्रदर्शन, दो दिन पहले भी प्रदर्शन हुआ है, सब कुछ ठीक था, लोगों ने एक पत्थर तक नहीं उठाया इनके ऊपर। और इन लोगों की तानाशाही देखिए आप, इन्होंने आम जनता को, ये कोई बाहर से रोक नहीं आए हैं, ये घर घर से यहीं से निकल कर आए हैं, कुछ कारण है, कुछ मुद्दा चैन गंभीर है, इसी करके लोग घर घर से निकल कर आए हैं। बिल्कुल, जैस्मिन टारगेट किया जा रहा है चुन चुन के, ये देखिए सीधे तौर पर तमाम लोगों को, चाहे वो मीडिया के, हाँ ये सारा कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट करके काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आम जनता को भी इसमें संलिप्त किया जा रहा है, जो लोग सीधे जा रहे हैं अपने रास्ते में।
यहाँ पर देखिए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संजौली में, जहाँ पर प्रदर्शनकारियों पर लंबी लंबी पानी की बौछार छोड़ी जा रही है। प्रदर्शनकारियों के बीच में हंगामा हो गया था प्रदर्शन के दौरान, ऐसे में यहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया काबू करने के लिए, ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो मस्जिद की तरफ ना बढ़ सके, क्योंकि कोशिश थी मस्जिद की तरफ बढ़ने की। आक्रोश है हिंदू संगठनों में वहां के मौजूद लोगों के बीच में कि आखिरकार एकाएक यहाँ पर एक दो तीन नहीं कमरों के ऊपर लोगों के ऊपर, ये देखिए सीधे तौर पर, और ये यहाँ पर स्थिति अनियंत्रित यहाँ पर जश्न हो रही है। देखिए अब भीड़ आगे बढ़ रही है, दोबारा से भीड़ आगे बढ़ना यहाँ पर शुरू हुई है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर बिल्कुल फिर एक बार फिर बिल्कुल जश्न बैरिकेड से, कैसे बैरिकेड को आगे बढ़ाया जा रहा है प्रदर्शनकारियों की तरफ से, बैरिकेड को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। ऐसे में पहले लाठी चार्ज किया गया लेकिन स्थिति जब काबू नहीं हुई तो उसके बाद यहां पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि प्रदर्शनकारियों पर काबू पाया जा सके। बहुत मुश्किल हो रही है पुलिस के लिए प्रदर्शनकारी को काबू करने में, क्योंकि प्रदर्शनकारी बेहद आक्रोशित हैं। और यहाँ पर प्रदर्शनकारी को भी आपने सुना कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारा आक्रोश हमारा गुस्सा जायज है, प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा, आखिरकार सिर्फ आधे घंटे का ही तो काम है, डिमोलिश की जा सकती है अवैध मस्जिद। लेकिन यहाँ पर प्रदर्शनकारी साफ तौर पर इस मांग को लेकर आगे बढ़ रहे थे मस्जिद की तरफ कि उनको रोक दिया गया, बैरिकेडिंग लगाई गई है, लेकिन उस बैरिकेडिंग से भी कुछ खास असर नहीं पड़ रहा है। बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है, बैरिकेडिंग को साइड किया जा रहा है। आगे बढ़ती हुई भीड़ आगे बढ़ती हुई, देखिए संजौली शिमला से लाइव तस्वीरें प्रदर्शनकारियों पर किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले लाठीचार्ज भी किया गया था, लाठीचार्ज के बाद अब ये देखिए दूसरा स्टेप, दूसरा तरीका किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल किया जाए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो पूरा मसला है अवैध मस्जिद से जुड़ा हुआ है, आज का नहीं कई दिनों से लगातार यहाँ पर तनाव की स्थिति बनी हुई थी, फ्लैग मार्च सुबह सुबह लिहाजा पुलिस की तरफ से निकाला गया और दावा किया गया कि हमारी तरफ से तैयारियां पूरी है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर देखिए किस तरीके से जब आग लगती है तब तो पानी होता नहीं, आज हमारे ऊपर पानी बरसा रहे, ये क्या बात होती है, पीने का बिल्कुल पानी है नहीं, शिमला पानी है नहीं और ये पानी खुला बरसा रहे हैं, ये तो मजाक यहाँ कुछ लोग है बहस पुलिस से कर रहे हैं गाड़ी आगे, ये तो बड़ा खराब होगा। ये जो पुलिस प्रशासन कर रही है ये बहुत अन्याय कर रही है और हम इंजन घर तक जाके रहेंगे, चाहे हमारे लाशों के ऊपर से इन्होंने हमारे बंदों को डंडों से बगैर मतलब के मारा है। शांति प्रिय प्रदर्शन हो रहा था, डाले डाल 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 बिल्कुल लाओ तो उग्र हम क्या प्रदर्शन होता जा रहा है, प्रदर्शनकारी तो प्रदर्शनकारियों को आपने सुना जहां पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन हम लोगों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, वाटर कैनन की जरूरत क्या पड़ी जब हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। मसला यहां सिर्फ अवैध मस्जिद नहीं है बल्कि यहां पर घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं और इसी को लेकर लोगों के बीच में आक्रोश है।